हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आजकल हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद बॉडी बिल्डिंग या अपने जिस्म को पुरकशिश बनाने के लिए जिम ज्वाइन कर रही है। बज़ाहिर ये शौक कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बाज जिम मालकान नौजवानों की इस कमजोरी का इंतहाई मनफी अंदाज में फायदा उठाते हैं। इसी पर बात करने के लिए, वजूहात जानने के लिए आज हमारे कटहरे में खड़ा है ऐसे ही एक जिम का मालिक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गुस्से से क्या देख रहे हो? नहीं, आपने जिस तरह की गुफ्तगू करनी है या जो आपका टॉपिक है, मुझे तो कहा गया था कि बॉडी बिल्डिंग पे बात करनी है तो एक प्रोग्राम में आपको बुलाना है। अपने मसल्स दिखा के आप मुझे मरूब करने की, डराने की कोशिश मैं कर नहीं डराने की कोशिश नहीं कर रहा। ये आपने अगर ये जो दो नंबर जिम में चीजें इस्तेमाल होती हैं या गलत तरीकों से जो बॉडी बिल्डिंग होती है, अगर उस पर गुफ्तगू करनी थी तो आप उन लोगों को बुलाते जो ये काम करते हैं। मानता तो कोई भी नहीं। हाँ। नहीं जुनैद साहब, मैं आपको ये सही कह रहा हूं कि मैं अल्लाह के फजल से मेहनत के साथ अपने बच्चों को बॉडी बिल्डिंग सिखाता हूं। या मैं एक मिनट जरा ठहर जाओ, ये तुम्हारा जिम ही है जहां पे जाने वाले, जहां पर एक्सरसाइज करने वाले तुम्हारे दो जिम मेंबरान की पिछले दो बरसों के दौरान डेथ हो गई है? नहीं तो पिछले दो बरसों में तो मेरे वालिद साहब की भी डेथ हुई है यार। उनको मैं वर्जिश कराता था। तुम्हारे वालिद साहब स्टेरॉइड इस्तेमाल करते थे? असल तुम्हें पता है मैं क्या कहने लगा हूं, तुम जानबूझ के करनी कतरा रहे हो। दुनिया साहब, मैं नहीं बच्चों को इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करवाता। मैं तो खुद मेहनत का कायल हूं, खुद भी मैंने सारी जिंदगी एक्सरसाइज करके मेहनत करके तो टाइटल हासिल किए हैं। ऐसे ही नहीं मैं मिस्टर बूरे वाला बन गया। बने तो मिस्टर बूरे वाला वो तो ये क्या कम है, तुम्हारे जिस्म पे तो फिंसी नहीं बनती। वो बनना थे तब मिस्टर एशिया बनता, मिस्टर बूरे वाला, हाँ मिस्टर पूरे वाला। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर उधर की बातों में असल इल्जाम जो तुम लोगों पे है उससे छुटकारा पाने की कोशिश ना करो। असल बात ये है, जो इन लोगों पे सबसे बड़ा इल्जाम है वो ये है कि ये नौजवानों को बहला फुसला कर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ला के स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल पे लगा देते हैं, जो मौत का दूसरा नाम है जी। अच्छा जुनैद साहब, अगर आप बात खोलना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि तरक्की की ये जो दौड़ लगी हुई है इतने जदीद दौर में, जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, इतने फास्ट दौर में क्या आप इस वक्त टींडे चिकन और बादामों के साथ बच्चों के जिस्म बनाए? जिस्म बनाने के लिए उनके जिस्मों में जहर उंडेल दो तुम। कुछ खुदा का खौफ करो, पिछले पांच बरसों के दौरान वतने अजीज में 83 से ज्यादा नौजवान इन स्टेरॉइड्स की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। सर आप मीडिया वाले जिसके पीछे पड़ जाएं फिर कब उसकी जान छोड़ते हैं, हर चीज ही उसमें डाल देते हैं। मुझे तो ये डर लगना शुरू हो गया कि पांच मिनट और मैं अगर यहां रहा तो ये पिछले दिनों जो समुंदर में बच्चे डूबे थे आप ये ना कह दें कि वो भी सारे किसी जिम में वर्जिश करते थे। यार एक मिनट ठहर जाओ, तुम इस इल्जाम का दो टोक जवाब दो मुझे कि क्या तुम लोग नौजवानों को स्टेरॉइड्स का अनऑथोराइज इस्तेमाल नहीं करवाते? सर मैं बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करवाता, आप मेरे जिम में आके देख सकते हैं, आपको वहां पे कोई दवाई कोई शीशी ऐसी नजर नहीं आए। ओ बाबा मेरी बात सुनो, मैं भी इतना भोला नहीं हूं, मुझे पता है कि तुम लोग आमतौर पर स्टेरॉइड्स जो है वो अपने जिम में नहीं रखते, लेकिन तुम लोगों का मुख्तलिफ दुकानों के साथ कमीशन तय होता है। ये वो तो डॉक्टरों का भी कमीशन तय होता है, उनको नहीं पकड़ते आप? किस चीज से मुवाजना कर रहा हूं, वो तो डॉक्टर कम से कम दवाई लिखने का तो ऑथोराइज होता है ना। सर मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि मैंने कभी भी ये कुव्वत बख्श ममनुआ दवाइयां जो हैं जिनको आप ये स्टीरॉइड कहते हैं मैंने नहीं कभी किसी को रिकमेंड की। तुमने नहीं रिकमेंड किया ना, जो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो अनपढ़ और अनट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने भी कभी किसी को नहीं रिकमेंड किया। तो ये आप अनपढ़ अनट्रेंड कह रहे हैं और 2000 रुपए हम बच्चों से फीस लेते हैं, उधर मैं मिस्टर वर्ल्ड कोच रख लूं जी। बताएं 2000 का आर्नल्ड आता है या वैन डीजल ले आऊं बताएं मुझे। और जिम बनाया तो कोई कोच भी चंगा रखो, रोड़ा रोड़ा पाने वाले रखे तुम। ऐसी करके बच्चों ने भेज देते। इस तरह की एक बनमानस की वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है। जुनेद भाई मैं रिड्यूस होना चाह रहा हूं, आप इनसे पूछिए कि मैं क्या करूं। आप ये ना कहें मैं रिड्यूस होना चाह रहा हूं, आप कहें मैं तहलील होना चाह रहा हूं।
ये क्या रिड्यूस होना है? अच्छा जी, आप रिड्यूस कर सकते हैं इनको? दर्जी रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि जिसम तो जितना होना था हो गया, अब इनका कोट ही रिड्यूस हो सकता है। अच्छा चले, इनको छोड़े, उनको गोगा जी को रिड्यूस करके दिखाएं। अभी कर देते हैं, मंगाएं कुल्हाड़ा। छिलना ही पड़ेगा वैसे तो, नहीं मेरा ख्याल है। यार अपनी एक्सरसाइज बताए ना कोई। सर आप भी तो वो इम्तिहान ले रहे हैं जिसमें शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, मेरे 6 पैक्स बन सकते हैं? बेटा 3 पैक के बाद तेरा कदम उग जाता है, बाकी 3 पैक हाथ से फड़ के फिर लेनी है। सर ऐसा भी शर्मिंदा हो रहा है ये बंदा? लो जी, शर्मिंदा हो जानी है। यार मेरी बात सुनो, ये कोई नया शौक नहीं है नौजवानों का कि आज उनको अपनी तनसाजी का शौक है, अपने जिस्म अच्छा करने का शौक है? ये हम बरसों से देख रहे हैं, लेकिन पहले नौजवान जो थे वो उन क्लबों का रुख करते थे, उन उस्तादों की शागिर्दी इख्तियार करते थे जो मेहनत पर यकीन रखते थे, और तुम लोग जो खुराक अच्छी देते थे या बैलेंस डाइट दिया करते थे, तुम लोग तो शॉर्टकट के चक्कर में बेड़ा गर्क कर देते हो। सर हम शॉर्टकट नहीं चाहते, जो हमारे पास आता है वो शॉर्टकट चाह रहा होता है। अगर एक बंदा आगे में ये कहे कि 15 दिन बाद मेरी मंगनी है, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे सलमान खान बना दे, तो उसका क्या किया जाए, जबकि पहले सेहत उसकी आसान खान जैसी हो। अब भाई ये भी तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस नौजवान को समझाओ कि तुम 15 दिनों में सलमान खान नहीं बन सकते। हाँ। बल्कि उन्हें दसो कि सोने सलमान खान का अपना ब्याह नहीं होया, तू सलमान खान बन के की करना। जबरदस्त मलक साहब है सर जी, छड़ दे नहीं। पहले बंदे ने मेरे मलक साहब क्या है? जनाब जब कोई आता है गाहक तो उसको फिर इस तरह मायूस तो नहीं लौटाना चाहिए ना। आपके पास अगर थाने में कोई आता है कि मेरे घर चोरी हो गई है, मेरे घर डकैती हो गई है, मेरा मुल्जम पकड़े, आप कहते हैं पकड़ देंगे? आज तक फड़े नहीं कभी। वो भी पैसे पकड़ लेते हो, तुम भी पैसे पकड़ लेते हो। फिर इसे इधर खड़ा करें, मुझे बाहर खड़ा कर ले। अच्छा एक और इल्जाम, बहुत संगीन इल्जाम, सब पे नहीं लेकिन बहुत सारे जिम मालकान पर, यह भी है कि तुम लोग नौजवानों को गलत, बिल्कुल फजूल किस्म की लॉजिक्स दे के मनशियात का आदि भी बना देते हो। क्यों जी, ये अभी जिम मालक का पनामा लीग में भी नाम आ जाना है। सारे में तो इश्तिहार तुसी वेखो, इंग्लिश मशीना कहते आई ने, जे चले जाओ मशीना के उपर जाके खलोवो तो विचो ची ची दिया आवाजा बताए। नहीं जे तेरे खलोन नाल भी मशीन ने ची ची नहीं करना तो फिर वो मरी मशीन ही हुई। तो मेजबान उन्होंने तेन गाल से कड़ नहीं सकता, उन्होंने ची ची भी ना करे। सेकंड हैंड मशीनें रखी हुई हैं तुम लोगों ने जिम में, या वेल्डर से बनवाई होती हैं? तो चाइना में भी वेल्डर ही मशीन बनाता है, वहां पे कोई सुनियारा नहीं बनाता। अपने वेल्डर से यकीन ना करना, चाइना के वेल्डर नवाब आ गई। तुमने सारे सवाल आपका, सारे इल्जाम आपका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी के साथ दिया। जी 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 जी, क्या मतलब यार, तुम लोगों को सेटिस्फाई करने में बुरी तरह नाकाम रहे हो। सॉरी जी। क्या सॉरी जी, ब्रेक ले ले। दुनिया में लेने छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन आजकल हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद बॉडी बिल्डिंग या अपने जिस्म को पुरकशिश बनाने के लिए जिम ज्वाइन कर रही है। बजायर ये शौक कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बाज जिम मालकान नौजवानों की इस कमजोरी का इंतहाई मनफी अंदाज में फायदा उठाते हैं। इसी पर बात करने के लिए, वजूहात जानने के लिए आज हमारे कटहरे में खड़ा है ऐसे ही एक जिम का मालिक। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। गुस्से से क्या देख रहे हो? नहीं, आपने जिस तरह की गुफ्तगू करनी है या जो आपका टॉपिक है, मुझे तो कहा गया था कि बॉडी बिल्डिंग पे बात करनी है तो एक प्रोग्राम में आपको बुलाना है। अपने मसल्स दिखा के आप मुझे मरूब करने की, डराने की कोशिश? मैं नहीं डराने की कोशिश नहीं कर रहा। ये आपने अगर ये जो दो नंबर जिम में चीजें इस्तेमाल होती हैं या गलत तरीकों से जो बॉडी बिल्डिंग होती है, अगर उस पर गुफ्तगू करनी थी तो आप उन लोगों को बुलाते जो ये काम करते हैं। मानता तो कोई भी नहीं। नहीं जुनैद साहब, मैं आपको ये सही कह रहा हूं कि मैं अल्लाह के फजल से मेहनत के साथ अपने बच्चों को
बॉडी बिल्डिंग सिखाता हूं या मैं एक मिनट जरा ठहर जाओ, ये तुम्हारा जिम ही है जहां पे जाने वाले, जहां पर एक्सरसाइज करने वाले तुम्हारे दो जिम मेंबरान की पिछले दो वर्षों के दौरान डेथ हो गई है? नहीं तो पिछले दो वर्षों में तो मेरे वालिद साहब की भी डेथ हुई है यार, उनको मैं वर्जिश कराता था। तुम्हारे वालिद साहब स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते थे? असल तुम्हें तुम्हें पता है मैं क्या कहने लगा हूं, तुम जानबूझ के कन्नी कतरा रहे हो। दुनिया साहब मैं नहीं बच्चों को इस तरह की अदवियात इस्तेमाल करवाता, मैं तो खुद मेहनत का कायल हूं, खुद भी मैंने सारी जिंदगी एक्सरसाइज करके मेहनत करके तो टाइटल हासिल किए हैं, ऐसे ही नहीं मैं मिस्टर बूरे वाला बन गया। बने अमीर मिस्टर बूरे वाला, वो तो ये क्या कम है, तुम्हारे जिस्म पे तो फिंसी नहीं बनती। वो बनना थे तो मिस्टर एशिया बनता, मिस्टर बूरे वाला, आ मिस्टर पूरे वाला। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर उधर की बातों में असल इल्जाम जो तुम लोगों पे है उससे छुटकारा पाने की कोशिश ना करो। असल बात ये है जो इन लोगों पे सबसे बड़ा इल्जाम है वो ये है कि ये नौजवानों को बहला फुसला कर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ला के स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल पे लगा दे, जो मौत का दूसरा नाम है जी। अच्छा जुनैद साहब अगर आप बात खोलना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि तरक्की की ये जो दौड़ लगी हुई है इतने जदीद दौर में, जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, इतने फास्ट दौर में क्या आप इस वक्त टींडे चिकन और बादामों के साथ बच्चों के जिस्म बनाए? जिस्म बनाने के लिए उनके जिस्मों में जहर उंडेल दो तो कुछ खुदा का खौफ करो। पिछले 5 वर्षों के दौरान वतन अजीज में 83 से ज्यादा नौजवान इन स्टेरॉइड्स की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। सर आप मीडिया वाले जिसके पीछे पड़ जाएं फिर कब उसकी जान छोड़ते हैं, हर चीज ही उस पर डाल देते हैं। मुझे तो ये डर लगना शुरू हो गया कि 5 मिनट और मैं अगर यहां रहा तो ये पिछले दिनों जो समुंदर में बच्चे डूबे थे आप ये ना कह दें कि वो भी सारे किसी जिम में वर्जिश करते थे। यार एक मिनट ठहर जाओ, तुम इस इल्जाम का दो टोक जवाब दो मुझे कि क्या तुम लोग नौजवानों को स्टेरॉइड्स का अनऑथराइज इस्तेमाल नहीं करवाते? सर मैं बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करवाता, आप मेरे जिम में आके देख सकते हैं, आपको वहां पे कोई दवाई कोई शीशी ऐसी नजर नहीं आई। ओ बाबा मेरी बात सुनो, मैं भी इतना भोला नहीं हूं, मुझे पता है कि तुम लोग आमतौर पर स्टेरॉइड्स जो है वो अपने जिम में नहीं रखते, लेकिन तुम लोगों का मुख्तलिफ दुकानों के साथ कमीशन तय होता है। ये वो तो डॉक्टरों का भी कमीशन तय होता है, उनको नहीं पकड़ते आप? किस चीज का, किस चीज से मुवाजना कर रहा हूं, वो तो डॉक्टर कम से कम दवाई लिखने का तो ऑथोराइज होता है ना। सर मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि मैंने कभी भी ये कुव्वत बख्श ममनुआ दवाइयां जो हैं जिनको आप ये स्टीरॉइड कहते हैं मैंने नहीं कभी किसी को रिकमेंड की। तुमने नहीं रिकमेंड किया ना, जो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो अनपढ़ और अनट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने भी कभी किसी को नहीं रिकमेंड किया जी। ये आप अनपढ़ अनट्रेंड कह रहे हैं और 2000 रुपए हम बच्चों से फीस लेते हैं, उधर मैं मिस्टर वर्ल्ड कोच रख लूं जी। बताएं 2000 का आर्नल्ड आता है या वैन डीजल ले आऊं बताएं मुझे। जिम बनाया तो कोई कोच भी चंगा रखो, रोड़ा रोड़ा पाने वाले रखे तुसी, ओ ओ आ ओ ओ इंज करके बच्चों भेज देते। इस तरह की एक बनमानस की वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है। जुनेद भाई मैं रिड्यूस होना चाह रहा हूं, आप इनसे पूछिए कि मैं क्या करूं। आप ये ना कहे मैं रिड्यूस होना चाह रहा हूं, आप कहे मैं तहलील होना चाह रहा हूं। जी क्या रिड्यूस होना है? अच्छा जी आप रिड्यूस कर सकते हैं? इनको दर्जी रिड्यूस कर सकता है क्योंकि जिस्म तो जितना होना था हो गया, अब इनका कोट ही रिड्यूस हो सकता है। अच्छा चले इनको छोड़े, उनको गोगा जी को रिड्यूस करके दिखाएं। अभी कर देते हैं, मंगाएं कुल्हाड़ा। छिलना ही पड़ेगा वैसे तो नहीं मेरा ख्याल है। यार अपनी एक्सरसाइज बताए ना कोई। सर आप भी तो वो इम्तिहान ले रहे हैं जिसमें शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर मेरे 6 पैक्स बन सकते हैं? बेटा 3 पैक